नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये मेरा 9th लेक्चर है और इसमें मैं दिसंबर 2010 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एमएन रॉय ने किसकी वकालत की या किसका पक्ष लिया था? तो उग्र मानवतावादी जो दौर है वो 1940 के बाद शुरू होता है एमएन रॉय की लाइफ में, ठीक है। और इसमें उन्होंने दल विहीन राजनीति की बात की थी जिसमें कोई भी दल नहीं होगा, ठीक है। और दल विहीन राजनीति की दूसरी बात की थी जयप्रकाश नारायण ने। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? उन्होंने किया था अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। क्वेश्चन नंबर 3, सेंट ऑगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड को निम्नांकित पर प्रथम पुस्तक समझा जाता है। अब देखो, धर्म दर्शन पे तो बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी है, ठीक है। उसमें गीता, बाइबल बहुत सारी थी पहले, है ना। तो तुलनात्मक दर्शन में भी पहले आ चुकी है, इतिहास दर्शन पे तो बहुत सारी आई थी। तो ये है पहली पुस्तक ईसाई धर्म का दर्शन पे। अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी ठहराया? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा है। पिछले में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है रूसो। रूसो ने प्राकृतिक अधिकारों की कड़ी आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 5, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनों के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए? जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर स्वतंत्रता को बचाने की बात करते हैं, स्वतंत्रता, उसे हम बोलते हैं उदारवादी। उदारवादियों ने स्वतंत्रता पे बहुत ज्यादा बल दिया है। व्यक्ति को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो पूंजीवादी व्यवस्था में, ठीक है। मार्केट सब कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत। इस बात पर किसने जोर दिया कि सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? ये बात की थी जीन बोडिन ने। क्वेश्चन नंबर 7, अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। सत्य और अहिंसा की बात नो डाउट महात्मा गांधी ने ही की थी। द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? सर्वप्रथम ये प्रतिपादित की थी हीगल ने, ठीक है। डायलेक्टिक, आई होप आप सभी को डायलेक्टिक क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर हीगल का आइडिया, ठीक है, और मार्क्स का आपका मटेरियलिस्टिक हिस्टोरिसिज्म है, या फिर जितना भी इनका द्वंद्ववाद है, सारा का सारा इसके ऊपर ये टीका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपने असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्य ना तो प्रभु के हाथ का कार्य है, ना ही सर्वोच्च बौद्धिक शक्तियों का परिणाम है, ना ही संकल्प या रूढ़ी की उत्पत्ति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो इसमें रीजन दिया है, राज्य प्राकृतिक विकास का परिणाम है। राजनीति क्या है? प्राकृतिक विकास की एक संस्था है। तो ये इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इलेबोरेट कर रहा है। अगर राज्य ये सब नहीं है तो इसका मतलब है राज्य क्या है? प्राकृतिक विकास, ठीक है। इवोल्यूशन थ्योरी को ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जस्टिफाई, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। मानव चेतना स्वतंत्रता की चाह करती है, बिल्कुल करती है। जब तक मानव को स्वतंत्रता ना मिले तब तक इंसान अच्छे से सोच ही नहीं सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये हैरोल्ड जे लास्की की कोटेशन है। राज्य का संविधान अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, अधिकारों की बात की जा रही है, ठीक है। अधिकार यहाँ पे देखो, राज्य क्या है? अधिकार। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी अधिकार। असर्शन में भी यही है और रीजन में भी यही है। इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की
कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया था पहले मैं इसके ऊपर फोकस किया गया और इसमें भी, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए ही होगा, इसका ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, लुशियन पाई, लुशियन पाई ने ये क्षमताओं की बात की है, ठीक है। ईसीडी मॉडल इन्होंने दिया है, ईसीडी मॉडल का मतलब है इक्वालिटी कैपेसिटी और डिफ्रेंसिएशन, ये मॉडल आपके लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी मैं अलग से इसके ऊपर एक लेक्चर बना रहा हूँ, अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया? इमैनुअल वॉलरस्टीन, ये एक मार्क्सवादी चिंतक है और इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का विश्लेषण किया है। दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित होती है? दबाव समूह पूरे समाज के लिए काम नहीं करते, सिर्फ अपने सदस्यों के लिए, जो उनके मेंबर होते हैं उन्हीं के लिए ये मांगे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी लिखी है एसपी हंटिंगटन ने, मोर देन 4 टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एसपी हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी है 1994 में, तो दूसरी इनकी है फॉल्ट लाइंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये है एसपी हंटिंगटन की। जॉन रोल का है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, समीर आमीन ने दी है डिपेंडेंसी थ्योरी, और रोनाल्ड एच चिलकोटे की है पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सूची एक को सूची दो से यहाँ पे मिलाना है, और सबसे पहले देखो विल्फ्रेडो पेरेटो, एलीट थ्योरी मेरे हिसाब से आप पढ़ लो और इतनी अच्छे से पढ़ो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना आपको करना है, क्योंकि एलीट थ्योरी से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल कई बार तो 3-3 क्वेश्चन आए हैं इसी एक छोटी सी थ्योरी से, ठीक है। विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया है सर्कुलेशन ऑफ एलीट, अभिजनों का संचरण। कार्ल ड्यूश ने दिया है राजनीतिक संप्रेषण या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। मैक्स वेबर का है नौकरशाही, 1890 में इन्होंने सिद्धांत दिया है। डेविड आफ्टर ने दिया है आधुनिकीकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो 16 का करेक्ट आंसर भी यहां पे होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें सही कालक्रम आपने पहचानना है। स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल, दोस्तों डीकोलोनाइजेशन जब हुआ 1950s के बाद, तो तभी ये 1950 के बाद स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल बना। यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन 1987 से शुरू हो गया था। भारत का प्रथम चुनाव आम चुनाव हुआ है 1951-2 के अंदर। यूनाइटेड किंगडम की गौरवमय क्रांति हुई है 1688 में, 1688 की शानदार क्रांति। तो 17 का यहाँ पे सही क्रम होना चाहिए सी। सबसे पहले क्या होता है, शानदार क्रांति हुई, ठीक है, 4। उसके बाद यूएसए में नागरिक अधिकार जो 1687 में हुए हैं, और उसके बाद भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ है 1951-2 में, और 1955 के बाद राष्ट्रमंडल जो भी है 1950 के बाद बना है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, यूनाइटेड किंगडम के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का सही कालक्रम बताइए। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या होते हैं ना, हम कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं देखते हैं। अब ये इंग्लैंड के इतने टफ प्रधानमंत्री नहीं पूछेंगे कि जो हमें नहीं पता है। ये देखो विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या थे, प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। मार्गरेट थैचर, ये 1917 के बाद वहाँ पे रहे हैं। डिजरेली पहले हुए हैं और टोनी ब्लेयर अभी लेटेस्ट है हमारे, ठीक है। तो अगर सिंपली भी इसका हम सही कालक्रम इस हिसाब से लगाने की कोशिश करें तो इसका होगा 2,
इसका होगा 18 का, सबसे पहले डिजरेली, डिजरेली जो है 1804 से 1881, एक्चुअली इनकी डेट ऑफ बर्थ है ये 1804 से 1881, ठीक है, पहले डिजरेली आए हैं, मतलब पहला दो 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 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी है। सबसे पहले डिजरेली, डिजरेली के बाद बने विंस्टन चर्चिल 1945 में, उसके बाद श्रीमती मार्गेट थैचर बनी, और थैचरिज्म जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, थैचरिज्म, ठीक है, थैचरिज्म है नियो लिबरलिज्म इंग्लैंड के अंदर, और सबसे लास्ट में बने हैं टोनी ब्लेयर, ठीक है। देखते अगला क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। संसद के आनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, समानता का अर्थ विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो संसद, कौन सी संसद की बात की जा रही है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा ये, यहाँ पे संसद की बात की जा रही है, ब्रिटेन की संसद। अब ब्रिटेन की संसद में क्या है, जो द्वितीय सदन है वहां पे समानता के सिद्धांत की अवहेलना की गई है, की गई है ना, क्योंकि वहां पे लॉर्ड सदन है ना, जो वो समानता के आधार पे नहीं, उनके विशेष विशेषाधिकारों के आधार पे वो चुने जाते हैं, ठीक है, कि लॉर्ड का बेटा ही आगे लॉर्ड बनेगा, उस टाइप का। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। लोकतांत्रिक देश में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करती है, लोकतांत्रिक देश में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, यहाँ पे लोकतांत्रिक देश की बात की जा रही है, ठीक है, और संपत्ति क्या है आपका, आर्थिक कारण है, ठीक है, संपत्ति क्या है, आर्थिक कारण पे बनती है, और वर्ग भी आपका आर्थिक कारण पे डिपेंड हुआ है। तो लोकतांत्रिक देशों में यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। रीजन में देखो, यहाँ पे तो ठीक है लोकतांत्रिक देश में वोट, लोकतांत्रिक देश तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, वर्ग और संपत्ति के ऊपर, ठीक है, तो लेकिन नीचे रीजन में क्या बात कर रहा है, वोट देने और राजनीतिक सहभागिता करने का अधिकार इस तथ्य पर निर्भर निर्धारित होता है कि वो वयस्क नागरिक है। ऊपर बात की जा रही है इकोनॉमिक राइट की या इकोनॉमी की, और नीचे बात की जा रही है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। हालांकि दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। भारत की साम्यवादी पार्टी कब बनी, भारत की साम्यवादी पार्टी बनी, ये मार्क्सिस्ट है, ये बनी है 1964 के अंदर, भारत की साम्यवादी पार्टी अगर मार्क्सिस्ट या नहीं होता तो 1925 के अंदर बनी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी है बी आर अम्बेडकर ने, कि जाति को कैसे खत्म किया जाए, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर निर्वाचन आयोग है, तो ये है आर्टिकल 324, सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन कृति के लेखक है ग्रैनविल ऑस्टिन, ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े ज्ञाता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े ज्ञाता है, इन्होंने ये बुक लिखी है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा पदच्युत या बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, राज्य का राज्यपाल सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, ठीक है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल का निर्वाचन होता है, तो यहाँ पे ए गलत है और आर सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, बिल्कुल, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आपातकालीन के ऊपर फोकस किया गया है और रीजन में भी आपातकालीन है, अगर आप मोटे माइंड से सोचोगे ना इसको कि अब ये तो अलग अलग बातें हो रही है, यहाँ पे आपातकालीन स्थिति कभी भी हो सकती है, तो इसका 352 से क्या लेना देना है, लेकिन पहले तो ये देखो आप आपातकालीन की, यहाँ भी क्या, यहाँ पे भी फोकस किया गया है और ऊपर भी, और दूसरा जो इसके पीछे फैक्ट है,
आर्टिकल 352 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि आपातकालीन स्थिति कभी भी हो सकती है, आपातकालीन स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए 352 आर्टिकल 352 के तहत आर्टिकल 357 लागू किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें सूची एक को सूची दोस्त के साथ आपने मिलाना है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है पत्रिका, बाल गंगाधर तिलक की है केसरी पत्रिका, इसके संपादक रहे हैं महात्मा गांधी ने लिखी है यंग इंडिया पत्रिका, जयप्रकाश नारायण जुड़े हैं संपूर्ण क्रांति से, और सईद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से। तो 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी सूची एक को सूची दो के साथ आपको मैच करना है। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन इंडिया आया था 1942 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू हुआ था, मंत्रिमंडल मिशन योजना भारत में आया था 1946 के अंदर, और नागरिक अवज्ञा आंदोलन जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था नमक कानून तोड़ के 1930 के अंदर। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित का सही कालानुक्रम क्रम बताइए। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 1931 एंड 1932 के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई है, और साइमन कमीशन भारत आया था 1928-29 के अंदर। ठीक है, तो 29 का यहाँ पे सही क्रम होगा बी, 29 का बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये केस आया है 1950 के अंदर, मंडल आयोग का केस, मंडल आयोग का निर्माण किया गया है 1979 में ये जनता दल के द्वारा, जो जनता दल की ही सरकार थी उस टाइम। बांग्लादेश का निर्माण हुआ है 1971 के अंदर, प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री 1963 से 65 तक रहे हैं। तो 30 का सही क्रम होगा बी, 30 का सही क्रम होगा बी। देखते अगला क्वेश्चन, पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, निम्नांकित में से किसने लिखी? प्रिज्मेटिक सोसाइटी, प्रिज्म थ्योरी, प्रिज्मेटिक थ्योरी, साला मॉडल, इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई है, आप लोगों ने देख ली होगी इस टाइम तक। तो ये रिग्स की है। एक्स और वाई के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? एक्स और वाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया है मैकग्रेगर ने, और मैस्लो ने दी है, इब्राहिम मैस्लो ने दी है नीड हायरार्की, हर्जबर्ग का है हाइजीन थ्योरी, और साइमन है बिहेवियरल अप्रोच से जुड़े हुए। नूतन लोक प्रशासन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? अब हिंदी में बहुत टफ हो जाता है, अगर इंग्लिश में देखोगे तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन भी से बोलते हैं। तो नव लोक प्रशासन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये है मिन्नोब्रुक सम्मेलन एक और मिन्नोब्रुक सम्मेलन दो। मिन्नोब्रुक एक हुआ है 1968 में, और मिन्नोब्रुक दूसरा हुआ है 1988 में, 20 साल बाद। ग्रेप वाइन का संबंध किससे है? ग्रेप वाइन, ये ग्रेप्स ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, अंगूर की गुच्छिया कैसी होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है ना। अब उसमें यही समझ नहीं आता है कि कौन सा अंगूर दूसरे अंगूर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या है, होच पोच है ना सारा। तो ये क्या है, अनौपचारिक संप्रेषण से जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में बच्चे बात कर रहे हैं, टीचर अंदर आएगा तो एक बच्चा इधर बात कर रहा है, दूसरा उधर, अंगूरों की तरह, मतलब इधर उधर, उनका कोई एक मीडियम नहीं है सीधा कि वो ऊपर से नीचे बात कर रहे हैं, कि पहले एक बच्चा बात करेगा दूसरा, औपचारिक नहीं है वो, अनौपचारिक है वो, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35, विटले काउंसिल का उद्भव हुआ है यूएसए में। इसमें आपको वो पता करना है जो सुमेलित
नहीं है, ठीक है। हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। ए एजियोनी, ए एजियोनी, ए एजियोनी, आई डोंट नो। ड्वाइट वाल्डो, आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। दी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, डी भी करेक्ट है यहाँ पे। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी। बी गलत है इसमें, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एजियोनी ने नहीं लिखी है। अब देखो फ्रेंड्स, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था और आईएएस के अंदर भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेखानुदान, वोट ऑन क्रेडिट क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है, ठीक है। तो लेखानुदान होता है यदि पहली अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद अग्रिम स्वीकृति देती है, ठीक है। लेखानुदान का मतलब है कि बजट पास होने से पहले जो संसद द्वारा अनुदान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित सिद्धांतों के प्रतिपादन का सही अनुक्रम आपने बताना है। फिफ्थ टाइम ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, फिफ्थ टाइम क्वेश्चन आया है, हर साल रिपीट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत 1890, उसके बाद है मानवीय संबंधों का सिद्धांत 1927, 1930, ठीक है। नूतन लोक प्रशासन, नव लोक प्रशासन, ठीक है, नव लोक प्रशासन का उद्भव हुआ है 1968 के बाद। और निर्णयन सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग थ्योरी 1940 के अंदर। तो इसका सही क्रम होगा एक, सॉरी दो, एक, चार, तीन। दो, एक, चार, तीन। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी। क्वेश्चन नंबर 39, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एफ डब्ल्यू टेलर, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको भी अब सिंपल लगने लग गए होंगे क्योंकि रिपीट बहुत हो रहे हैं। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया है वैज्ञानिक प्रबंध। एच साइमन, हर्बर्ट साइमन जुड़े हैं डिसीजन मेकिंग के साथ, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच के साथ भी जुड़े हैं और डिसीजन अप्रोच के साथ भी ये जुड़े हैं। एफ डब्ल्यू रिग्स, इकोलॉजिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, और एल्टन मेयो ने किया है हावर्थन परीक्षण 1927 से लेके 1931 के बीच। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए, 1432। क्वेश्चन नंबर 40, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया है। दोस्तों इस बात को आप रट लो कि हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी नैतिकता की बात की है, प्रत्यक्षवादी उपागम की वकालत इन्होंने की है। अब प्रत्यक्षवादी क्या है, पॉजिटिविस्ट फिलोसफी क्या है, आपको पता होगा। पॉजिटिव फिलोसफी का मतलब है साइंस, साइंटिफिक और फैक्ट के आधार पे जो थ्योरी होती है, ठीक है। तो अब इसकी रीजन देख लेते हैं। यह मान्यता इस पर आधारित है कि मूल्यों की अपेक्षा, देखो मूल्यों, वैल्यू की अपेक्षा तथ्यों को ध्यान में लेने के लिए लेने से प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही, अच्छे तरीके से इसका इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे ए। ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 41, पंचशील जो भारत और चीन के बीच हुआ है 1954 के अंदर हुआ है। G8 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, G8 का सदस्य चीन नहीं है। G8 से पहले G6 था और G6 के ये तीनों प्रारंभिक मेंबर है, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी G6 की, तो उस समय ये देश इसके अंदर थे, ठीक है, तो चीन इसका सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय सिर्फ उनके ऊपर लागू होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के भाग है, ठीक है, जिन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हुए हैं। निम्नांकित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है, यथार्थवादी कौन
नहीं है, मैक्स वेबर यथार्थवादी है, एडवर्ड ई एच कार बहुत बड़े यथार्थवादी है, और हैंस जे मॉर्गन थू तो फादर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ ही इज फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट इन इंटरनेशनल सिनेरियो। ठीक है, एल्डो हक्सले उदारवादी है, एल्डो हक्सले उदारवादी है, तो इसका सही आंसर है डी। सामूहिक सुरक्षा शैल तल रॉक बॉटम के सिद्धांत पर कार्य करती है, किसी एक देश पर आक्रमण तमाम देशों पर आक्रमण माना जाएगा। तो ये जो यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सामूहिक सुरक्षा की ये डेफिनेशन दी गई है कि एक पर आक्रमण सभी पे आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, युद्धों का होना संभावित रहता है और उन्हें रोकने की जरूरत होती है। अब इसको आपने ध्यान से समझना है, इसमें क्या बात इन्होंने इसमें क्या बात की है कि युद्ध कभी भी हो सकते हैं और उसे रोकने की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे क्या है, सामूहिक सुरक्षा की बात की जा रही है, अगर सामूहिक सुरक्षा को यहाँ पे डिस्क्राइब किया होता तो ये इसका सही रीजन होना था। लेकिन ये तो सही बात है कि युद्धों का होना संभावित है, क्योंकि रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि युद्धों को आप टाल सकते हो, युद्ध को आप टाल तो सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते हो, मतलब युद्ध होके रहेगा एक ना एक दिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अगर इसमें सामूहिक सुरक्षा की चर्चा हुई होती रीजन के अंदर तो ये ए होना था। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। यथार्थवादी के लिए सर्वपूंजी राष्ट्रीय हित की अवधारणा है, जिसकी व्याख्या राष्ट्रीय शक्ति के रूप में की गई है। अब दोस्तों ये मॉर्गेंथू का एक प्रिंसिपल है, सिक्स प्रिंसिपल में से एक है ये मॉर्गेंथू का, तो आपने मॉर्गेंथू को भूलना नहीं है, उनके सिक्स प्रिंसिपल आपने याद करने हैं और समझना है कि उन्होंने क्या बात की है, क्योंकि पूरे की पूरी रियलिस्टिक क्लासिकल रियलिस्टिक थ्योरी मॉर्गेंथू पे ही टिकी है, उनके छः प्रिंसिपलों के ऊपर टिकी हुई है। राजनीति यथार्थवाद, देखो राजनीतिक यथार्थवाद पॉलिटिकल जो रियलिज्म है राष्ट्रीय हित का स्थिर अर्थ लगाता है कि राष्ट्रीय हित का स्थिर अर्थ है, राष्ट्रीय हित से परे कुछ भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ए, और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 47, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, मॉर्टन कापलान जुड़े हैं सिस्टम अप्रोच से, तीसरी बार आ गया ये, तो आपने ये सिस्टम अप्रोच कहाँ दिए इन्होंने, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में जुड़े हैं डेविड ईस्टन, कार्ल ड्यूश 6-7 बार आ चुका है अभी तक, संप्रेषण उपागम या कम्युनिकेशन थ्योरी, रिचर्ड सी स्नाइडर है ये, सिंडर लिखा है यहाँ पे, एच डब्ल्यू ब्रूक एवं बर्टन सेपाइन जुड़े हैं डिसीजन मेकिंग अप्रोच से। अब दोस्तों डिसीजन मेकिंग अप्रोच से हर्बर्ट साइमन भी तो जुड़े हैं, मैंने अभी आपको बताया हर्बर्ट साइमन डिसीजन अप्रोच से जुड़े हैं, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग इंटरनेशनल थ्योरी के अंदर दिया है इन्होंने, इस बात को आपने नोट कर लेना है, ये इंटरनेशनल थ्योरी के अंदर इन्होंने डिसीजन मेकिंग की थ्योरी या अप्रोच दी है। हैंस जे मॉर्गेंथू है यथार्थवादी क्लासिकल रियलिस्ट, तो 47 का यहाँ पे सही क्रम होगा ए, 4-3-2-1। क्वेश्चन नंबर 48, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, सबसे पहले देखो सीटो, सीटो बना है 1954 में, सार्क बना है 1985 में, नाटो बना है 1949 में, और वारसा पैक्ट संधि हुई है 1955 में, तो 48 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, 4-3-2-1। क्वेश्चन नंबर 49, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962, बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध 1971, राजीव जयवर्धने समझौता 1987, कारगिल युद्ध 1999। बहुत ही सिंपल है, अब राजीव जयवर्धने समझौते को बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर ये सॉरी भूल गया मैं, माइंड से निकल गया है, राजीव जयवर्धने समझौते को शायद बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, बैंकॉक या समथिंग लाइक दैट, मैं इसके ऊपर आपको अगले क्वेश्चन पेपर में डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन आया है।
ठीक है, तो 49 का करेक्ट आंसर यहां पे होगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, पीटीबीटी आंशिक निरीक्षण निषेध संधि, ये संधि आपने याद कर लेनी, इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, इसकी रिकमेंडेशन भी कई बार पूछी गई है और इस बार भी पूछी जा सकती है। तो पीटीबीटी हुई है 7 अक्टूबर 1963 को, 7 अक्टूबर 1963 में। पोखरण वन हुआ है 1974 में, पोखरण टू हुआ है 1998 में। एनपीटी दोस्तों, ये एनपीटी है, अणु प्रसार संधि, एनटीपी नहीं, एनटीपी अलग है, ठीक है। एनटीपी और एनपीटी में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एनटीपी हुई है 1995 के अंदर, क्या एनपीटी हुई है 1995 के अंदर। अगर यहाँ पे एनटीपी होती तो एनटीपी हुई है 1968 के अंदर। सीटीबीटी हुई है 1996 के अंदर, 1996 के अंदर। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 10 सितंबर 1996 में ये हुई है। तो 50 का यहाँ पे सही काल क्रम होगा एक। एक सबसे पहले पीटीबीटी 1963, पोखरण विस्फोट 1974, एनपीटी हुई है 1995 में और सीटीबीटी 1996 में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसी ही और वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।